क्राउन वर्किंग, यस, एप्पल के लुक को रिजेंबल करती है। और ओवरऑल यहाँ पे एक चीज़ और बेटर है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखो ये वाला मेन्यू जो कि उसमें नहीं है। सो गाइज, एक कंपैरिजन और कर लें, आप क्या बोलते हो मेरे को, रिंग 3 वर्सेस रियलमी वॉच 3, तो दोनों ही थर्ड जनरेशन है। गाइज एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इसका जो प्राइस है बढ़ा चुकी है रियलमी, ये मेरे को पसंद नहीं आया बिल्कुल भी, 3500 रुपीज़ कर दिया है, एक ही दिन बीता था। आई डोंट नो यहाँ पे क्या फीचर्स देती है जो वॉच इसका जो प्राइस है बहुत तगड़ा कर दिया गया। यहाँ पे रिंग 3 सेम प्राइस में मिल रही है 3500 रुपये के प्राइस बैकेट में, बट फीचर्स से रिच मिलती है। फायरबोल्ट की वॉचेस कहीं ना कहीं आपको फीचर रिच जो फीचर्स मिलते हैं वो बहुत तगड़े मिलते हैं, स्पेसिफिकेशन बेटर देती है और बिल्ड क्वालिटी भी तगड़ी देती है आपको, और एक्यूरेसी ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है अगर आप रियलमी से कंपेयर करो खासकर, और अदर वॉचेस से कंपेयर करो। तो यहाँ पे इस तरीके का लुक मिलता है। आप मेरे को ज़रूर बताना दोनों में से किस वॉच का जो वॉच फेस है बेटर लग रहा है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप सभी से, नीचे की साइड जो बेजल्स हैं वो किस में ज़्यादा मिलती है किस में कम मिलती है, अब आपको पता चलेगा अच्छे से। यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है, 1.8 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है इसमें भी, इसमें भी आपको 1.8 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दोनों में डिस्प्ले साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही अच्छी है फायरबोल्ट में जो कि है, दूसरा इसमें एक चीज़ और भी कमाल की है, वो है वाटर लॉगआउट का ऑप्शन। वॉच को हिलाओगे तो पानी, ये देखो मैंने वॉच को हिलाया, फाइन में फ़ोन ऑन हो गया था क्या। और तो और गाइज यहाँ पे अगर हम बात करें थिकनेस की, तो यहाँ पे थिकनेस ऑलमोस्ट सिमिलर है यहाँ पे, बट ये थोड़ा सा कर्वी डिज़ाइन मिलता है जो लुक प्रीमियम कर देता है और ज़्यादा। एल्युमिनियम केसिंग मिलती है स्ट्रेट अवे, यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिशिंग मिलती है पॉलीकार्बोनेट की। बैक साइड डेडिकेटेड सेंसर के साथ दोनों ही वॉचेस आती हैं, SP2HR का सेंसर मिल जाता है, फायरबोल्ट की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे रियलमी की ब्रांडिंग मिल जाती है, दोनों में ही आपको चार्जिंग के रिपेंस मिल जाती है। 22mm का स्ट्रैप साइज है, इन दोनों का भी इवन इंटरचेंज कर सकते हो, ये अच्छी बात है। यहाँ पे आफ्टर मार्केट का आप ले सकते हो वैसे तो। यहाँ पे हाईलाइटेड फीचर मैंने बता दिया आपको रिंग 3 में जो कि ये क्राउन वर्किंग है, ये मेरे को बहुत ही कमाल का फीचर लगा। और 2.5D कर्व ग्लास इस तरीके से मिल जाती है, आप खुद ही देख सकते हो दोनों में से प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी किसकी लग रही है। ये थोड़ा सा जल्दी बंद हो रही, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, आपको डिस्प्ले में जाना है और ऑटो स्लीप को बढ़ा देना है। ऑटो का रखा है मैंने, इसको 20 कर दीजिए, अभी जल्दी बंद नहीं होगी। यहाँ पे 15 सेकंड का मिलता है, यहाँ पे 20 सेकंड का मिल जाता है आपको स्क्रीन को वेक रखने का ऑप्शन। अब गाइज यहाँ पे सारे के सारे फीचर्स को पता करने से पहले आपको स्पीकर माइक की प्लेसमेंट दिखाता हूँ। यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपको माइक मिल जाता है, दोनों में ही यहाँ पे इस तरीके से। माइक की क्वालिटी किसकी अच्छी है, स्पीकर क्वालिटी स्लाइटली इसकी बेटर है बट लाउडनेस इसकी बेटर है, मैं आपको अभी लाइव सुना दूंगा, आप खुद ही पता कर लेना। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर से स्वाइप करते हो तो आपको टॉगल मेन्यू मिल जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फ़ोन कॉल ऑन ऑफ कर सकते हो, मतलब एज अ फिटनेस वॉच यूज़ होगी, जब इसको ऑफ कर दोगे इसको ऑन कर दोगे एज अ कॉलिंग वॉच भी यूज़ होगी। ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाता है यहाँ पे, इवन मैंने हाफ का रखा है, यहाँ पे फुल करता हूँ तो इस तरीके से आपको ब्राइटनेस मिलती है दोनों में ही, तो ब्राइटनेस आप देख लो यहाँ पे अच्छी खासी ब्राइटनेस मिल जाती है। राइट, और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको वाटर लॉगआउट का ऑप्शन मिलता है, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे आपको ये मेन्यू व्यू मिल जाता है लिस्ट ग्रिड वाला, तो हम लिस्ट वाला रख लेते हैं अभी एज ऑफ नाउ। और उसी के साथ साथ रेस्ट वेक मिल जाता है, यहाँ पे आपको रेस्ट वेक का ऑप्शन अंदर मिलता है और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है दोनों में ही। डिस्प्ले में जाते हो सबसे पहले, यहाँ पे डिस्प्ले में आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। और वॉच फेस पे जाते हो तो यहाँ पे वॉच फेस आपको, वन सेकेंड, वॉच फेस ये रहा, तो यहाँ पे भी 5 मिलते हैं, यहाँ पे 4 मिलते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में ही इस तरीके से मिल जाता है। राइट, ये हम रख लेते हैं, तो देखो यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पे वापस से सेटिंग पे चलते हैं और चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको एक चीज़ में अच्छी मिलती है जो कि है रिंगटोन, यहाँ पे सेट करने का ऑप्शन, मतलब रिंगटोन नहीं, जो वॉल्यूम है वो सेट करने का ऑप्शन, दैट्स इट। इंटेंसिटी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो और रिंगटोन दैट्स इट, यहाँ पे रिंगटोन पूरा ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम जाते हैं वाइब्रेशन एंड रिंग में, मोड यहाँ पे चेंज कर सकते हो, वाइब्रेशन है, रिंग है, रिंग एंड वाइब्रेशन, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये आपको फीचर दोनों में ही देखने को मिलते हैं। और बैक करते हैं यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन के बाद वर्कआउट सेटिंग में, यहाँ पे एक चीज़ अच्छी मिलती है वर्कआउट रिकॉग्निशन, वो इसमें नहीं मिलता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे बात करें D&D मोड मिल जाता है, बैटरी लेवल इंडिकेटर मिलता है यहाँ पे, जनरल में जाते हो यहाँ पे व्यू में आप जाते हो, यहाँ पे लेफ्ट ग्रिड वाला मेन्यू मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें D&D मोड मिलता है आपको, फोन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, लो पावर मोड मिल जाता है, फोन रीसेट का ऑप्शन मिलता है, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। राइट, तो यहाँ पे टाइप करते हैं आप होम पे आते हो, यहाँ पे भी टाइप करके वापस से आप होम पे आ जाते हो। राइट साइड पे स्वाइप करते हो, दोनों में शॉर्टकट्स मिल जाते हैं इस तरीके से। और जैसा कि आपको पता है रिंग 3 में आपको वॉइस असिस्टेंट मिलता है और रियलमी की वॉच में वॉइस असिस्टेंट है ही नहीं। लेफ्ट साइड स्वाइप करते हैं, यहाँ पे आपको मेन्यू मिल जाता है, यहाँ पे आपको वापस से शॉर्टकट मेन्यू मिल जाते हैं इस तरीके से। राइट, नीचे की साइड से स्वाइप करते हैं तो मैसेज शो करता है, दोनों में ही इस तरीके से मैसेज शो करता है, इवन हिंदी फॉन्ट भी सपोर्ट करता है। यहाँ पे टाइप करते हैं आप होम पे आते हो। अब गाइस मेन फीचर्स को करने से पहले हम कॉल क्वालिटी चेक कर लेते हैं और AI वॉइस कैसे काम करता है वो चेक कर लेते हैं। इसमें तो AI वॉइस है नहीं, तो यहाँ पे प्रॉपरली दोनों वॉचेस कनेक्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कॉल क्वालिटी सुनेंगे इसकी, कितनी मिलती है, कितनी लाउड मिलती है, कितनी नहीं मिलती है। यहाँ पे फ़ोन पे जाना है आपको, कॉल हिस्ट्री यहाँ पे हम मिलाते हैं, देखते हैं।
लाउडनेस इतनी मिलती है आपको? लाउडनेस डेफिनेटली कम है, अभी मैं जब आपको रिंग की सुनाऊंगा ना लाउडनेस, तो आप हैरान हो जाओगे, ऑलमोस्ट डबल मिलती है आपको लाउडनेस रिंग थ्री में। इससे यहाँ पे ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन नहीं मिलता, मतलब फ़ोन में यहाँ पे बस वॉल्यूम और डायल पैड और यहाँ पे माइक का ऑप्शन मिलता है, ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ से कट कर सकते हो, और तो चीज़ मैं दिखा नहीं सकता आपके सबको। आई डोंट नो, यहाँ पे कॉल कट चुकी है, उसके बावजूद भी यहाँ पे कॉल चल रही है। कट करता हूँ, ओके अब कट हुई है। अब गैस यहाँ पे बात करें रिंग थ्री में अगर मैं आपको दिखाऊँ लाउडनेस, तो आप हैरान रह जाओगे, ऑलमोस्ट डबल लाउडनेस मिलेगी आपको। मैं दिखा देता हूँ, देखो लाउडनेस है कि नहीं, है ना, डबल नहीं है बट थोड़ी सी ज़्यादा है। वैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब आप बोलोगे ना, मतलब मैक्सिमम लोग ये बोलेंगे यहाँ पे कि मैं फायरबोल्ट की बढ़ाई कर रहा हूँ, गाइस बढ़ाई करने वाली बात ही है। अब गाइस इसमें फ्लिकर करेगी डिस्प्ले, तो ऑब्वियसली बात है आप थोड़ा सा हैरान होगे कि नहीं होगे। मैं दिखाता हूँ आप सभी को, यहाँ पे आप खुद देखना, अगर मैं यहाँ पे हल्का सा ही ब्राइटनेस कम करता हूँ, इसमें ऐसा कोई इशू है ही नहीं। मतलब इसमें अगर मैं कम भी करता हूँ ब्राइटनेस, तो वो फ्लिकर की दिक्कत नहीं आती है। तो ये पता नहीं क्यों किया गया इसमें, ऐसा क्यों मतलब हो रहा है, देखो इसमें नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो ये फ्लॉ है कहीं ना कहीं। यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट भी बेटर काम करता है, अच्छा काम करता है। वैसे मैं आपको अभी दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि नेट से कनेक्टेड नहीं है फ़ोन, तो यहाँ पे मैं ऐसे दिखा देता हूँ डेमो। व्हाट इज़ द वेदर ऑफ फरीदाबाद? इस तरीके से वॉच में ही इटसेल्फ ये चलता है आपका वॉइस असिस्टेंट, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऑल इन ऑल यहाँ पे फीचर ज़्यादा मिलते हैं, और गाइस यहाँ पे कैलकुलेटर भी मिल जाता है, वो कैलकुलेटर देखते हैं आगे। यहाँ पे अब हम मेन्यू को चेक करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं बटन से, मेन्यू आता है। सबसे पहले यहाँ पे एक्टिविटी दोनों में मिल जाती है आपको इस तरीके से, जो आपने परफॉर्म किए प्रॉपर्ली, और फ़ोन कॉल मैंने आपको दिखा दिया करके। वर्कआउट मोड्स मिल जाते हैं, यहाँ पे भी वर्कआउट मोड में जाएं तो यहाँ पे 118 वर्कआउट मोड मिलते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ 16 मिलते हैं। और एप्लीकेशन से अपडेट होंगे, अब एप्लीकेशन से आप मतलब सिंक कर सकते हो एक वन बाय वन, यहाँ पे सारे मिल जाते हैं इन द वॉच इटसेल्फ। यहाँ पे अगर हम वॉकिंग ओपन गोल करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, इसमें एक चीज़ अच्छी है कि रिंगटोन सी टाइप की बजाती है। यहाँ पे गाइस ऑलमोस्ट सारी चीज़ सिमिलर ही मिलती हैं, वापस से टाइप करके आप कट कर सकते हो दोनों में ही इस तरीके से। यहाँ पे टाइप करते हैं, और इसके बाद आपको SPO2 HR का ऑप्शन मिलता है। HR को ओवर टू द एयर चेक करते हैं एक बार, यहाँ पे तुरंत बता दें प्लीज़ वियर द वॉच प्रॉपर्ली, और यहाँ पे तब तक हम SPO2 लेवल ढूंढते हैं ये रहा। यहाँ पे तुरंत बता दिया प्लीज़ वियर द वॉच प्रॉपर्ली, और यहाँ पे भी वियर द वॉच प्रॉपर्ली बता रहा है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे ओवर टू द एयर स्कैन नहीं कर रहा है, और यहाँ पे प्लीज़ वियर द वॉच प्रॉपर्ली बोल रहा है, ये अच्छी बात है। अब गाइस यहाँ पे हार्ट रेट के बाद स्ट्रेस मीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्ट्रेस मीटर नहीं मिलता। और यहाँ पे वेदर अपडेट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे वेदर अपडेट्स मिल जाते हैं, और एक्सरसाइज रिकॉर्ड्स तो आपको दोनों मिल जाते हैं। मैसेज मिल जाते हैं, यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन मिलता है। AI वॉइस का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आपको AI वॉइस नहीं मिलता, नहीं आपको Alexa बिल्ट-इन मिलता है, कुछ नहीं मिलता। शटर बटन मिल जाता है दोनों में ही। यहाँ पे फाइंड माय फ़ोन ऑप्शन मिसिंग है, यहाँ पे फाइंड माय फ़ोन मिल जाता है, और उसी के साथ साथ टाइमर मिल जाता है, स्टॉप वॉच है। यहाँ पे भी अगर आप अदर्स में टूल्स में जाते हो, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, टाइमर है, स्टॉप वॉच है, म्यूज़िक है, फाइंड माय फ़ोन है। यहाँ पे फ्लैश लाइट मिलती है, यहाँ भी फ्लैश लाइट मिल जाती है। गेम्स का ऑप्शन मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है, 4 गेम्स मिलते हैं इनफैक्ट यहाँ पे आपको, ये मेरे को कमाल लगा, इसमें आपको नहीं मिलते हैं। और कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आपको कैलकुलेटर भी नहीं मिलता है। तो 3 चीज़ें जो इसमें बेटर मिलती हैं, और 4 चीज़ें मैं कह सकता हूँ रिंग 3 में जो कि हैं आपको, वॉइस असिस्टेंट, कैलकुलेटर, गेम्स, और स्क्रीन फ्लिकर नहीं कर रही है, ये मेरे को कमाल की चीज़ लगी। मैं दिखाता हूँ आप सभी को, अगर हम ये वाली लगाते हैं, देखो सच में फ्लिकर कर रही है इसमें। तो अब गाइस दोनों ही वॉचेस को पहन लेते हैं, और ऑक्सीमीटर से टेस्ट कर लेंगे एक्यूरेसी कैसी मिलती है दोनों ही वॉचेस में। दोनों ही वॉचेस को मैंने पहन लिया, यहाँ पे लुक और फील कमाल का आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो दोनों ही सेम मतलब लग रही हैं, मीडियम वेस्ट पे कमाल की लग रही हैं दोनों ही वॉचेस, बट प्रीमियम फील आपको पता है कौन सी दे रही है, एप्पल के लुक वाली हमारी रिंग 3, और ये आपको प्रीमियम फील देती है। बट इसकी जो ग्लॉसी फिनिशिंग है ये भी अच्छी है, बट पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलता है, तो ये थोड़ा सा इन्फीरियर बिल्ड क्वालिटी में एज कम्पेयर टू रिंग 3 के। अब गाइस हम रेस टू वेक चेक कर लें एक बार, फिर हम वो चेक करेंगे, देखते हैं ऑफ है ना, 1, 2 एंड 3, तो दोनों ही सेम। वैसे रियलमी थोड़ा सा ज़्यादा पहले स्टार्ट हुई थी, आप मेरे को ज़रूर बताना। ऑक्सीमीटर मैंने ऑन कर दिया यहाँ पे, राइट। हम यहाँ पे SPO2 HR को चेक करेंगे, पहले HR चेक कर लेते हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ऑक्सीमीटर में 97 दिखा रहा है, 86 हमारा हार्ट रेट दिखा रहा है, 82 80, यहाँ पे देखते हैं 76 दिखा रहा है, 74 दिखा रहा है, और यहाँ पे 78-77 पे फिक्स है, और यहाँ पे 76-77 ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे हार्ट रेट पे आप थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हो, बट
डेफिनेटली SPU2 लेवल मॉनिटर पे नहीं कर सकते। SPU2 लेवल मॉनिटर 97 दिखा रहा था उसमें, इसमें देखते हैं यहाँ पे SPU2 चेक करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे SPU2 ये रहा राइट, इसमें भी चेक करते हैं SPU2 ये रहा। तो गाइज SPU2 लेवल पे मैं डिपेंड नहीं रहता वैसे भी, और गाइज अगर आपको चेक करना है तो आप मेडिकल इक्विपमेंट से ही करिए, SPU2 लेवल मॉनिटर से ही करिए। तो गाइज यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी अंडर 3500 रुपीज़ में रिंग 3 ही है, कहीं से भी देख लो, किसी भी एंगल से देख लो, बिल्ड क्वालिटी में देख लो, गेम्स के फीचर में देख लो, कैलकुलेटर में देख लो, यहाँ पे इन द वॉच इटसेल्फ सॉन्ग्स के सॉन्ग प्लेयर ऑप्शन मिलता है, वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है। तो गाइज़ हमारी रियलमी वॉच 3 स्ट्रेट अवे हार चुकी है आपकी रिंग 3 से, और अभी तक ये बता भी नहीं रही, आई डोंट नो यहाँ पे कब तक बताएगी। तो गाइज़ ये था मेरे डिवडाउन कंपैरिजन, अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग कुछ भी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वैसे आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। तो गाइज मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।